कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक व अति प्राचीन नगर है, जिसे पूरे भारत में अपनी महान सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। त्रेंड यह शहर हरियाणा राज्य के गठन के समय करनाल जिले का हिस्सा था, जिसे 23 जनवरी 1973 को करनाल जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया था। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र है, जिसमें कई तीर्थ स्थान, मंदिर और पवित्र तालाब शामिल है, जिनके साथ पांडवों, कौरवों और महाभारत युद्ध से जुड़े कई घटनाओं, अनुष्ठानों का संबंध रहा है। इस भूमि को विभिन्न अवधियों में उत्तरवेदी, ब्रह्मावेदी, धर्मक्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा गया। त्रेंड कुरुक्षेत्र का मतलब ही है कुरु लोगों का क्षेत्र। यह पूरा क्षेत्र कुरु राजवंश के अधीन था। यहीं पर महाभारत का महान संग्राम हुआ और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का उपदेश दिया था। यह शहर हरियाणा का एक अभिन्न अंग है, जो महाभारत युद्ध एवं श्रीमद् भागवत गीता का जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, हिंदुओं के इस धार्मिक स्थल से तीर्थ यात्रा की शुरुआत की जाती है। यह भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली तथा आर्य संस्कृति का प्रधान केंद्र है, जो लगभग 1683 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। त्रेंड यह शहर कृषि दृष्टिकोण से समृद्ध जिलों में से एक है। करनाल और कैथल जिलों के साथ कुरुक्षेत्र को राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, जो बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। त्रेंड यहाँ पवित्र मारकंडा और सरस्वती इस जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। पवित्र नदियों सरस्वती और यमुना अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र और अधिक धार्मिक हो गया है। दोस्तों, इनके अलावा यह शहर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तथा हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। त्रेंड अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 9 लाख के लगभग है, और इस शहर की साक्षरता 76.7% है। महिला पुरुष अनुपात यहाँ पर 866 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। दोस्तों, यह शहर एक मैदानी क्षेत्र है, जिसके 88% हिस्से पर खेती की जाती है, तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते जिले में स्थापित औद्योगिक भी कृषि आधारित है। दोस्तों, यह शहर चंडीगढ़ से 93 किलोमीटर दूर और देश की राजधानी दिल्ली से 155 किलोमीटर दूर है। और अगर बात करें इस शहर के पड़ोसी जिलों की, तो इस शहर के उत्तर में अम्बाला जिला है, उत्तर पूर्व में चंडीगढ़ जिला है, पूर्व में यमुनानगर जिला है, दक्षिण पूर्व करनाल जिला है, दक्षिण पश्चिम में कैथल जिला है, उत्तर पश्चिम में पंजाब के जिले हैं। दोस्तों, इस शहर में कई सारे धार्मिक व खूबसूरत पर्यटन स्थल भी मौजूद है, जैसे ब्रह्मा सरोवर। यह कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित है। कई प्राचीन इतिहास के साथ ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा प्राचीन मानव निर्मित जलाशय है। ब्रह्मा सरोवर कई तरह के इतिहास से सुसज्जित है। यह काफी प्राचीन और खूबसूरत स्थान है। यहाँ पानी के बीच में भगवान शिव जी का एक मंदिर है, श्री कृष्ण संग्रहालय। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियाँ प्रदान की जाती है। उनकी सभी स्वरूपों, अवतारों, कार्यों आदि के बारे में मूर्तियों के माध्यम से बताया जाता है। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। गीता उपदेश स्थली यह कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिसर में स्थित है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और समस्त सृष्टि को गीता का ज्ञान यहाँ पर दिए थे। कल्पना चावला तारामंडल। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कल्पना चावला तारामंडल स्थित है। यहाँ पर आपको ब्रह्मांड से जुड़े पूरी एक एनिमेटेड फिल्म दिखाई जाती है। यहाँ जाने के लिए आपको टिकट खरीदने होती है। देवीकूप भद्रकाली मंदिर। कुरुक्षेत्र का दर्शनीय भद्रकाली मंदिर देवी काली को समर्पित है। देश के अन्य शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में देवी सती का टकना गिरा था। यह मंदिर कुरुक्षेत्र के आकर्षण में से एक है और पर्यटक देवी माँ के दर्शन के लिए इस पावन स्थान पर आते हैं। पैनोरमा एवं विज्ञानन केंद्र। पैनोरमा एवं विज्ञानन केंद्र कुरुक्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर महाभारत की बहुत ही बढ़िया झांकी बनाई गई है। इसके साथ ही विज्ञान के कुछ चमत्कार के बारे में शानदार तरीके से बताया गया है। यहाँ कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दायरे में स्थित है शेख चिली का मकबरा। यह बहुत ही शानदार इमारत है और काफी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। इसकी निर्माण की कहानी को अगर हम देखने की कोशिश करें, तो काफी स्थापित कला
और बारीकी से ध्यान रखते हुए ईंटों के प्रयोग से इसे बनाया गया है। इसके ऊपर संगमरमर की डिजाइन बाउंड्री वॉल बनाई गई है, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण रूप से छतों का फर्श ईंटों से किया गया है। ये एक खूबसूरत स्थल है। ट्रेन इनके अलावा भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में कई सारी खूबसूरत दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।